जी हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन परिवार में स्वागत है। तो दोस्तों जान लेते हैं आज के प्रमुख शैक्षिक समाचार। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज लेक्चरर भर्ती अगले माह विज्ञापन जारी होना संभव, पदों की जानकारी नहीं। कॉलेज शिक्षा विभाग में कॉलेज लेक्चररों के 1952 पदों पर भर्ती के लिए इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस भर्ती का विज्ञापन अगले महीने में जारी कर दिया जाएगा। अगली खबर है DEU करेंगे पात्रता जांच और वेरिफिकेशन, दस्तावेज जांच करने की अंतिम तिथि आज। 1100 स्कूल है कन्वर्ट। संविदा भर्ती अंग्रेजी माध्यम स्कूल में गणित और विज्ञान विषय से BEd अभ्यर्थियों को प्राथमिकता। 300 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगी पोस्टिंग। 14,033 शॉर्टलिस्ट किए गए। अगली खबर है वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता पदों पर DPC करने की मांग। राजस्थान समग्र शिक्षक संघ ने वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता के पदों पर पिछले 3 सत्रों की बकाया DPC करने की मांग उठाई है। इस संबंध में संगठन ने जनसुनवाई में CM को ज्ञापन सौंपा है। संघ के प्रदेश मुख्य महामंत्री हरिश्चंद्र प्रजापति और उपाध्यक्ष पवन नामा का कहना है कि मई जून में DPC नहीं होती है तो आगामी सत्र में विद्यालय खुलने पर वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याताओं की कमी रहेगी। इसका नुकसान विद्यार्थियों को भुगतना पड़ेगा। इसका सीधा असर नामांकन और बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ेगा। सरकार ने बड़ी संख्या में स्कूलों को निमंत्रण किया है। नामांकन में भी पिछले सालों में बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद DPC नहीं होने से नुकसान हो रहा है। यही नहीं माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न भी 8 साल से अटका पड़ा है। अगली खबर है प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में 4,091 प्राचार्य पद रिक्त। DPC 2022-23 भरने की तैयारी। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में प्राचार्य पद 4,091 खाली हैं। सरकार ने ऐसे विद्यालयों को सूचीबद्ध किया है। DPC 2022-23 रिक्त पदों को काउंसिलों से भरे जाने की उम्मीद है। अगली खबर है शिक्षा विभाग का सेटअप परिवर्तन अटका, अब लगेगा समय। 48,000 नए शिक्षक लगाने के लिए होनी थी प्रक्रिया। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 48,000 नए शिक्षक लगाने के लिए होने वाला शिक्षा विभाग का सेटअप परिवर्तन अब अटक गया है। राज्य सरकार 28,000 शिक्षकों की इच्छा के विरुद्ध 60 कवायद करने लगी हुई थी। 11 मई को जारी सेटअप परिवर्तन के कैलेंडर के मुताबिक 23 मई तक तृतीय श्रेणी शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड होनी थी। वहीं 60D में चयनित शिक्षकों की काउंसिलिंग 24 से 26 जून को प्रस्तावित है। अगली खबर है नई भर्ती तबादलों की राह में बड़ी चुनौती, परिणाम में देरी बिगड़ेगी गणित। नई भर्ती से पहले खुल सकती है तबादलों की राह। 80,000 शिक्षकों ने किया आवेदन। प्रदेश के 4.5 साल से तबादलों की राह खुलने का इंतजार करने वाले तृतीय श्रेणी शिक्षकों की उम्मीदों को फिर से झटका लगा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद शिक्षकों को तबादलों की उम्मीद जगी, लेकिन वहां सियासत दूसरे मुद्दे पर होने की वजह से तबादला की राह खुलने को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ। दूसरी तरफ कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से इसी महीने प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती और अगले महीने द्वितीय लेवल का परिणाम जारी करने का दावा किया जा रहा है। यदि इनके परामर्श वर्षों से तबादले नहीं होते हैं तो पहले से कार्यरत तृतीय श्रेणी शिक्षकों की मुसीबत बढ़ सकती है। इधर शिक्षकों का कहना है कि अगर सरकार ने लगभग 1.5 साल पहले तबादलों को लेकर आवेदन लिए थे, लेकिन कभी नीति तो कभी प्रतिबंध के नाम पर खुशियों को अटका गया है। 85,000 आवेदन, इसलिए 4 साल टल रही है मांग। एक महीने में मिलेंगे 48,000 नए शिक्षक। और आज की अहम खबर है उपेन यादव के द्वारा ट्वीट। 7 जून को होने वाले युवा बेरोजगार महासम्मेलन की सफलता के लिए, युवा बेरोजगारों के उज्ज्वल भविष्य के लिए, अभी भी गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा के लिए दोस्तों के साथ गोवर्धन जी पहुँचा हूँ। गिरिराज जी की महाराज की कृपा से इसी सप्ताह में PTI और अध्यापक भर्ती L1 के युवाओं को खुशियाँ मिलेंगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएँ। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।